أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم هم وطنو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ तो फिर कैसा लगा रिलेटेड पार्टी? मजे की बात है, कल डिस्कस कर रहे थे और फिर शाम में खबरें भी चल पड़ी, बोगी फरा। बस रीड किया क्या, उसको पढ़ा क्या, कोई बात मुश्किल लगी? क्योंकि हमने उसका एक ओवरऑल थीम कल समझ उसको अंडरस्टैंड कर लिया था, और किताब भी वही बातें सिर्फ अंग्रेजी में कर रही थी। तो हमने कल कुछ किताब से नहीं पढ़ा, कुछ स्लाइड से नहीं पढ़ा था, हमने उसका एक ओवरऑल थीम समझ लिया था कि भाई इस स्टैंडर्ड में ये सारी बातें हैं और ये इस तरीके से हो रही है। तो मुझे बताइए, अगर आपने रीड किया स्टैंडर्ड, तो उस स्टैंडर्ड के अंदर कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल लाइन, कोई पैराग्राफ मुश्किल लगा हो जो कि समझ ना आ रहा हो, हजम ना हो रहा हो, तो प्लीज डिस्कस करें। ले जी, एक सवाल आ गया कि सर इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है जी, और इसके अलावा? पहले आप मुझे सारी अपनी मुश्किलात बताएंगे और फिर हम वन बाय वन उसको देख रहे होंगे। सारी मुश्किलात से पहले मुझे आगाह किया जाए। बाकी किसी को कोई मसला नहीं, सब ओके? अच्छी बात, वाई या एन लिख के बता दें जालमो। तो स्ट्रेंथ भी आज हमारी जो है वो नॉर्मल के 1/4 पे आ गई आज। चलें जी, इसको कवर अप करते हैं, शुरू करते हैं। रिलेटेड पार्टीज, कल की ही डिस्कशन को सबसे पहले किताब बात करती है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या है और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो कि प्रॉपर टर्म्स, प्रॉपर कंडीशंस के मुताबिक हो रही हो, और ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर एक विलिंग बायर एक विलिंग सेलर से चीजें परचेज कर रहा हो, सेलर उसको बेच रहा हो, बायर उससे परचेज कर रहा हो, और दोनों पार्टीज का आपस में कोई करीबी रिश्ता ना हो, दोनों पार्टीज आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड ना हो, और इंडिपेंडेंस का लेवल बरकरार रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर दोनों पार्टीज को अपना अपना इंडिविजुअल बेनिफिट हो रहा है, अपना अपना जाती मुफाद उनको मिल रहा है, एक को उतने ही पैसे मिल रहे हैं, दूसरी को सेम प्रोडक्ट मिल रही है, ना प्रोडक्ट में कोई चेंज है, ना टर्म्स में कोई चेंज है, ना पैसों में कोई चेंज है, दोनों पार्टीज आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं रखती,
अननोन है, अनरिलेटेड है, तो ये कहलाएगी एक आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। ये कल हम लोगों ने उसको कवर अप कर लिया था। फिर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन किताब ये कह रही है कि रिलेटेड पार्टी वो होती है जिसमें या तो आपका कंट्रोल दूसरे पे हो, या दूसरे का कंट्रोल आप पे हो, या आप दोनों मिलके किसी कॉमन कंट्रोल के अंडर ऑपरेट कर रही हो। अगर मैं बहुत आसानी से बताऊं, अगर आपका कंट्रोल किसी और पे है, इसका मतलब है कि आप होल्डिंग हो और दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी है। आप पे किसी का कंट्रोल है, आप सब्सिडरी हो, आप पे कंट्रोल किसका है? होल्डिंग का। या दो कंपनीज ऐसी हैं, आप और एक और कंपनी, जो कि अंडर कॉमन कंट्रोल आ रही है एक और कंपनी के, तो इस केस में एसोसिएट्स का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब S1 S2 भी एसोसिएट है, S1 H भी एसोसिएट है, और H S2 भी आपस में एसोसिएट है। आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, कोई आपको कंट्रोल कर रहा हो, या आप दोनों मिलके किसी तीसरी पार्टी के कंट्रोल में हो, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन उसको कवर अप कर लेती है। तो अगर एक पार्टी का दूसरे के ऊपर सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वो उसको हुक्म दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, कॉमन मैनेजमेंट में वो चीज आ रही है, तो यहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी काउंट होती है। और सिर्फ कंपनी नहीं, ओनर्स, डायरेक्टर्स, हेड्स, सीनियर्स, और सिर्फ वो भी नहीं, वहां तक भी महदूद नहीं है, की मैनेजमेंट तक महदूद नहीं है, उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर लिया उन्होंने डेफिनेशन के अंदर। आपको याद होगा हमने कल भाई की मिसाल की थी। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आई होप सो। आगे चलते हैं तो किताब कहती है कि IS-24 ने कौन कौन से डिस्क्लोजर्स मांगे हैं। बीइंग एन ऑडिटर, आपने वो तमाम डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स को चेक करना, ये भी हम लोगों ने कल बात कर ली थी। हम लोगों ने कल क्या बात की थी, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स होते हैं, रिलेटेड पार्टी के नेम्स, उनके साथ की गई तमाम ट्रांजेक्शन्स, उन ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू क्या है, उन ट्रांजेक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, फिर उनके साथ क्लोजिंग बैलेंस क्या शो हो रहा है, और क्या ये ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ बेसिस पे की गई हैं या नहीं की, आपने ये सारी चीजें मेक श्योर करनी है, चेक करनी है। रिलेटेड पार्टी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें हायर रिस्क होता है, बहुत हाई रिस्क होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से ऑपरेट करती है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं। कल याद है एक मिसाल की थी, ABCDE आपस में शेयर होल्डिंग्स रखती हैं, और इनके दरमियान अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो इसका हिस्सा ए को भी मिलेगा, ए का सी को भी मिलेगा, सी का डी को भी मिलेगा, तो एक टाइम पे अकाउंटेंट बेचारा पैनिक स्टेट में आ जाता है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। चूंकि ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स है, रिस्क हाई है, तो यहाँ पे फ्रॉड का चांस होना बहुत हाई है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन को घुमा देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इजीली फ्रॉड कर पाएंगे, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। रिलेटेड पार्टी के होने से जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो काफी ज्यादा इनफेक्टिव हो जाते हैं। अगर आपको मिसाल याद हो, भाई, दोस्त और बोतलों वाली, अगर आपको मिसाल याद हो, डायरेक्टर का भाई सामान लेने आता है, वेयर हाउस के बाहर खड़ा हुआ है, तो वो जो वेयर हाउस इंचार्ज है वो उस टाइम के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंटेशंस पूरी नहीं करेगा, वो फॉरन से सामान निकालने की करेगा, और रिलेटेड पार्टीज नॉर्मल मार्केट टर्म्स के मुताबिक तो होती नहीं है, इनमें लाजमी हम किसी दूसरे को अनड्यू बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो ऑर्डर को क्या चाहिए, ज्यादा स्केप्टिक होके काम करे, मटीरियलिटी लेवल बिल्कुल जीरो कर दे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क, फ्रॉड का, एरर्स का बहुत ज्यादा है, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे पैसा छुपाया जाए,
मिलके फ्रॉड किया जाए, कोलूजन कहते हैं मिलके फ्रॉड करना, जब दो और दो से ज्यादा लोग फ्रॉड करते हैं ना मिलके, दिस इज कॉल्ड कोलूजन। डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है, कंसील किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स हैं, रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स हैं, रिस्क बहुत हाई है, तो ऑडिटर को ज्यादा डिटेल से ज्यादा स्केप्टिक होके काम करना चाहिए इस एरिया के अंदर। अब अगर हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं, तो ऑडिटर जो है वो तमाम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जहां पे लगाएगा और कोशिश करेगा कि वो तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करे, तमाम एक्टिविटीज करेगा, तमाम एसओपीस को इम्प्लीमेंट करेगा और तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेगा रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज। ये बात भी कल कवर कर ली थी। उनके ऊपर स्पेशल कंसिडरेशन देगा, स्पेसिफिकली उनसे कहेगा कि भाई देखो सैम्पलिंग अपनी जगह पे, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना ये मैंने एक एक करके सारी के सारी खुद से वेरीफाई कर दी, और फौरन से अपनी टीम के साथ डिस्कशन में रहेगा, अपनी टीम को बताता जाएगा कि भाई आप लोगों ने भी स्केप्टिक रहना है, इसकी इंपॉर्टेंस उनको कम्युनिकेट करता चला जाएगा, जो जो रिकॉर्ड टीम को मिलेंगे इसको मिलेंगे वो आपस में लगाते चले जाएंगे, फाइल्स मेंटेन करते चले जाएंगे, अपना डाटा टीम से शेयर करेगा, टीम से कहेगा जनाब तुम लोग डाटा मुझे शेयर करो, आपस में चीजें क्रॉस लिंक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा और कोशिश करेगा कि कोई नई उसको रिलेटेड पार्टी किसी तरीके से मिल जाए, और जो ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है उनकी नेचर चेक की जाएगी, उनकी एक्सटेंट चेक की जाएगी कि वो कितनी है, किस अमाउंट की है, क्या प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम्स फॉलो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम था कि भाई अगर 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होगी तो दो साइन होंगे, और अगर किसी ट्रांजेक्शन पे दो साइन नहीं आ रहे और अमाउंट 61,000 रुपये की है, इसका मतलब है कि ये जल्दी में की गई ट्रांजेक्शन है या इस पे कंट्रोल्स पूरे इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो चांसेस आर देयर बीइंग स्केप्टिक, मैं अज्यूम कर लूंगा कि भाई ये रिलेटेड पार्टी हो सकती है, क्योंकि वो सरकमस्टांसेस मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट ने अपना काम तसल्ली से नहीं किया। तो वो चीजें ऑडिटर चेक कर रहा होगा, ये बात भी हम लोगों ने कल कवर कर ली थी। मुझे बताइए यहां तक कोई सवाल? इन 3 स्लाइड्स के अंदर आपके पास किताब मौजूद है, तो यहां तक अगर आप कोई सवाल रखते हैं मेरे लिए तो मुझे लाजमी बताइए। आई होप कि आप लोगों ने रीड किया, क्योंकि कल हम लोगों ने स्टैंडर्ड मुका दिया था, स्टैंडर्ड उतना ही है, अब सिर्फ कहानी है। अगर आपको इसकी थीम समझ आ गई है तो बार बार उसने वही थीम को रिपीट करना। तो मुझे बताइए यहां तक अगर कोई सवाल किसी का है तो। ओके जी, लाइन से 9 आ गए, आगे चलते हैं। मजीद अगर मैं बात करूं ऑन रिस्क असेसमेंट, तो ऑडिटर ने सबसे पहले जाके एंटिटी को समझना होता है, ऑडिटर ने सबसे पहले मैनेजमेंट को पकड़ना है, उनसे इंक्वायरी करनी है, उनसे कहना है कि भाई मुझे बताएं आपके पास कौन कौन सी कितने कितने रिलेटेड पार्टीज मौजूद है, उनको आइडेंटिफाई करें, मुझे वो निकाल के दें, लिस्ट बना के दें कि वो कौन लोग हैं, उनके साथ कौन कौन सा आपका रिलेशनशिप है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो लोग कौन है, कैसे आपके साथ मुलहिका हुए, क्या वो किसी की मैनेजमेंट के लोगों की क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो कोई और कंपनी है, उनके साथ कौन कौन सी किस किस बेस के ऊपर किन किन टर्म्स के ऊपर ट्रांजेक्शन की जा रही हैं, उनकी क्या नेचर है, क्या पर्पस है, क्यों की जा रही है, क्या मकसद था, और क्या ये तमाम ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ पे कर रहे हो या नहीं कर रहे। इसके साथ साथ वो बहाने बहाने से उनके कंट्रोल्स को भी देख रहा होगा, क्योंकि जहां पे रिस्क मेरा काफी ज्यादा हाई हो रहा है वहां पे मुझे उतने ज्यादा ही कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिस एरिया में जितना हाई रिस्क होता है उस एरिया में मुझे उतने ही तबाही किस्म के कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप हमेशा रिस्क पे रहेंगे।
तो नॉर्मल प्रोसीजर्स क्या हैं, रिलेटेड पार्टीज के लिए क्या कंट्रोल सही से फॉलो किए जा रहे हैं, अगर किसी ट्रांजैक्शन में अप्रूव होना होता है, ऑथराइज होना होता है, तो क्या रिलेटेड पार्टीज के केस में वो अप्रूवल और वो ऑथराइजेशन की जाती है। जैसे मैंने अभी बात की, 50,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पे अगर दो साइन चाहिए तो क्या वो दो के दो साइन मिल रहे होते हैं? क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज किया जा रहा है? भाई ठीक है, आप लोगों ने एक सामान बेच दिया, कम कीमत पे बेच दिया, मुफ्त में बेच दिया, पैसे नहीं लिए, बाद में लेंगे, मगर एटलीस्ट उसको फाइनेंशियल्स के अंदर दिखाएं तो सही, अपने शेयर होल्डर्स को बताएं तो सही कि आपने ये ट्रांजैक्शन की है और रिलेटेड पार्टी के साथ की है। भाई पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का। तो उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट जाना बहुत जरूरी है। फिर अगर वो ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रही, हटके हो रही है, तो किसने अप्रूव किया, किसने ऑथराइज किया, ये हमें कहां से पता चलेगा? मिनट से उनके साथ इंक्वायर करके, डिस्कस करके। आपको याद हो, आपको अगर याद हो समोसे वाली बात, तो उसमें भी हम लोग यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि लाजमी नहीं है कि तमाम ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली हमारे सामने हो। बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से जेलस होते हैं, उनको लग रहा होता है कि कंपनी में उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जा रही, तो वो शिकायती नेचर रखते हैं और ऐसे लोग हमारे बहुत काम आ जाते हैं। वो हमें ऐसी ऐसी बातें बता जाते हैं जो कि नॉर्मली हम अगर खुद ढूंढने बैठते तो शायद हमें 3-4 महीने ढूंढने में लग जाते। तो ये चीजें हम लोगों ने कल कवर की। देन ट्यूटर नोट। अब ये ट्यूटर नोट यहाँ पे क्यों है? इसलिए है क्योंकि पहले किताब में कंप्लीटनेस के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस होती थी, अब आई कैप ने वो अचानक से निकाल दी। स्टैंडर्ड में है मगर आईके अपने पता नहीं क्यों निकाल के साइड पे करती है, और 50% से ज्यादा सवाल आपको इस एरिया से नजर आएंगे पास्ट पेपर से। तो हमने क्या किया, हमने उसको निकाला नहीं, हमने उसको अलग करके साइड पे कर दिया ताकि किताब का पार्ट भी रहे, कंप्लीटनेस भी बरकरार रहे और आप उसको पढ़ेंगे। तो अगर अब आपने मैनेजमेंट से लिस्ट मांगी है कि भाई मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे है, तो वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, मगर आपने उनकी प्रोवाइड की हुई लिस्ट के ऊपर सर तस्लीम में खम करके बैठ नहीं जाना। आपने प्रॉपर रिव्यू करने हैं उनके काम को। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं ये हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, एक एक करके डिस्कस की थी कि शेयर होल्डर्स के मिनट्स देख लेंगे, डायरेक्टर्स की बातें मान लेंगे, उनकी बातें सुन लेंगे, उनसे डिस्कस कर लेंगे, पिछले ऑडिटर से पूछ लेंगे, पिछले वर्किंग पेपर्स को चेक कर लेंगे, बैंकर से पूछ लेंगे, लॉयर से पूछ लेंगे, मिनट्स को देख लेंगे, क्लोज फैमिली मेंबर्स को असेस कर लेंगे, पिछले साल का काम रिव्यू कर लेंगे, इंक्वायरी कर लेंगे। ये सारी डिटेल आपके साथ कल बातों बातों में डिस्कस हुई थी, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना, क्योंकि तो ये चैप्टर ऐसा है जहां से आई कैब ने पूछना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही है। अभी देखते हैं इसके सवालों को भी आज। और आपने क्या रहना है, आपने हमेशा अलर्ट रहना है, खुद आपने भी और आपने अपनी टीम को भी हमेशा अलर्ट रखना है अपने साथ। और जहां पे आपको कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती नजर आ रही है जो कि आपको लग रहा है कि नॉर्मल कोर्स से हट के, तो आपने फौरन से अपनी टीम को बता देना कि भाई मुझे ये चीज मिली है, जरा अपने साइड पे देखो क्या इस बंदे की ट्रांजेक्शन कोई तुम्हारी तरफ भी हो रही है नहीं हो रही। फौरन से उनको कम्युनिकेट कर देना, उनको हाई अलर्ट कर देना कि मुझे इस बंदे की ट्रांजेक्शन मिली है, देखो तुम्हारे एंड के ऊपर तुम्हारे एरिया में कोई इस बंदे के साथ ट्रांजेक्शन तो नहीं की गई। देन उस लिस्ट में अगर कंप्लीटनेस का इशू हो, या आपने कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी आइडेंटिफाई कर ली है, डिस्क्लोज कर दी है जो कि उनकी लिस्ट में नहीं थी और आपने ढूंढ के निकाल दी, तो एक रिस्क तो ये है कि हो सकता है ये तो आपको मिल गई इत्तफाकन, इसके अलावा भी कोई और रिलेटेड पार्टीज मौजूद हों जो कि उस लिस्ट में ना आ रही हों, तो आपने उनको भी अब शक के दायरे में लाके देखना है और उनके साथ की गई तमाम ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है। उनके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो आपने रिलेटेड पार्टी खुद से आइडेंटिफाई की है,
आपने कंपनी को कहना है कि भाई मुझे इनके साथ की गई तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम डिस्कशन मेरे सामने रखें, मुझे बताइएगा आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? बीच में नेट चला गया था। आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? एक स्टेप आगे चलते हैं। अब अगर कोई रिलेटेड पार्टी नॉर्मल कोर्स से हट के हो रही है, अगर कोई रिलेटेड पार्टी है, ट्रांजैक्शन हो रही है और वो नॉर्मल कोर्स में नहीं है, तब ऑल्टर क्या करेगा? सबसे पहले पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और इसको किसने अलाउ किया, किसने अप्रूव किया, ऑथराइज किसने किया। वो मैनेजमेंट से जाके उनकी एक्सप्लेनेशंस ले रहा होगा, उनसे पूछ रहा होगा, उनसे इंक्वायर कर रहा होगा, साथ साथ उनकी डिस्कशन को अपने पास डॉक्यूमेंट भी करता चला जा रहा होगा। फिर वो देखेगा कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है क्या वो ओवरली कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, क्या अकाउंटेंट को एंट्री करने में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही, क्या उसमें अचानक से कोई अनयूजुअल प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, गारंटीज तो नहीं डाल दी गई। भाई एक ट्रांजैक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि या तो वो कॉम्प्लेक्स होगी, या उसके अंदर प्राइस कम ज्यादा की होगी, या सामान की क्वालिटी कम ज्यादा बढ़ा दी गई होगी, या वो लॉजिकल टर्म्स के मुताबिक नहीं हो रही होगी, या उसमें कोई ऐसी हरकत कर दी है जो कि नॉर्मली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लोन, अब अगर एक कंपनी किसी को लोन दे दे तो ये नॉर्मल कोर्स की ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी का काम लोन देना नहीं होता। या अगर लोन नहीं दिया, फर्स्ट करें सामान सप्लाई करना था तो उन्होंने रेगुलर मैनर के अंदर सप्लाई नहीं किया। नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो सीओडी करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। लेट सपोज इस केस में सिर्फ डिलीवरी दी है, कैश तो लिया ही नहीं, तो क्या उसकी अकाउंटिंग ठीक है? नॉर्मल कोर्स में नहीं है बट एंट्री तो हुई है ना, ट्रांजैक्शन तो ऑकर करती है, तो क्या उसको अकाउंट फॉर किया? क्या दो साल बाद गवर्नेंस के सामने वो ट्रांजेक्शन रखी है? क्या उनको इस बारे में पता है? क्या ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज प्रॉपरली कर दिया एज पर IFRS? तो एक ही बात को रगड़ रहे हैं बार 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 बार। एविडेंस हासिल करेंगे, एविडेंस हासिल करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली ऑथराइज और अप्रूव किया गया था या नहीं किया गया। अगर मैनेजमेंट आपको ये अजर्शन दे दे, मैनेजमेंट आपको ठोक बजा के ये कह दे कि भाई हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आर्म्स लेंथ पे हुई हैं, मैनेजमेंट इस पे आपको यकीन दहानी करवा रही हो, आपको कंफर्मेशन दे रही हो
आपको एग्री कर रही हो कि भाई हाँ जी ऐसा ही हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वो ट्रांजेक्शन को उठा के कंपेयर करना है दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ, और ये चेक करना है कि क्या वो ट्रांजेक्शन जो कि आइडेंटिकल नेचर की हैं, क्या उनमें टर्म्स एंड कंडीशन को सेम रखा गया या नहीं। भाई अगर मैनेजमेंट आपको पुख्ता यकीन दे रही है कि हाँ सर कोई आर्म्स लेंथ पे ट्रांजेक्शन जो है वो उससे बाहर नहीं है, और जो जो कुछ हुआ है वो नॉर्मल कोर्स के मुताबिक हुआ था, भाई फिर दो ट्रांजेक्शन पकड़ो, एक उनके वाली और एक नॉर्मल वाली, और उनको आपस में कंपेयर कर लो। जब आप कंपेयर कर रहे होगे टर्म्स को तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मार्केट टर्म्स पे और कौन सी मार्केट टर्म्स पे नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैनेजमेंट ने दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया और कहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। आप वेरीफाई कर लोगे कि क्या वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्डेड भी है या नहीं है, और यहाँ पे आपको इंटरनल ऑडिटर काफी हेल्प कर सकता है। आप डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर उसकी जिम्मेदारी भी लगा सकते हो कि भाई मेरे आने तक तुमने तमाम रिलेटेड पार्टीज को ढूंढ के रखना है, या आप उसको कह सकते हो, उसके जिम्मे डाल सकते हो, उसके मथे डाल सकते हो कि भाई मैं तुम्हें ये काम देके जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले पहले तुमने रिलेटेड पार्टीज के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं जो जो भी हैं वो तुमने अलग से फाइल मेंटेन करके रखनी है, मैंने सबसे पहले आकर उनको चेक करना है। तो जो अजम्पशन यूज की जा रही हैं अगर वो नॉर्मल टर्म्स के मुताबिक हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो प्राइस इस्तेमाल हो रही है, जो क्वांटिटी दी जा रही है, जो टर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, अगर वो नॉर्मल टर्म्स के मुताबिक हैं और मैनेजमेंट कह रही है कि सर वाकई में ये हम लोगों ने आर्म्स लेंथ पे किया है, तो फिर आपको ये सारी कहानियां चेक करनी पड़ेंगी। मुझे यहां तक बताइए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कल का लेक्चर क्लियर है तो आज हम सिर्फ उसी को किताब की शक्ल में देख रहे हैं जो कि मैंने आपको देखने के लिए कहा था बाय द वे, और आप लोगों ने ठंड मचाई। यहां तक कोई सवाल किताब से भी कंपेयर कर लें, आखिरी दो पैराग्राफ्स को छोड़ के मुझे बताइए अगर अभी तक कोई मुश्किल बात नजर आ रही हो। बातें वही हैं, बार 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 वो डिफरेंट अंदाज से कर रहा है। आगे चलते हैं, इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ISA 700। अब आते हैं मुद्दे पे। अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है ना वो पढ़ी है रिलेटेड पार्टी कौन होती हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, क्या ट्रांजैक्शंस पूरी हो रही हैं, टर्म्स पे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लिस्ट पूरी है नहीं है, रिस्क कितना है कितना नहीं है, कंट्रोल, सारी कहानी एक तरफ। अब उन रिलेटेड पार्टीज का क्या इफेक्ट आएगा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि क्या क्या तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेशनशिप्स प्रॉपरली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज कर दिए गए हैं एज पर IFRS। सबसे पहले वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि क्या तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, इन अदर वर्ड्स क्या IAS 24 अप्लाई किया जा रहा है या नहीं। फिर अप्लाई करने से क्या फेयर प्रेजेंटेशन अचीव की जा रही है या नहीं, क्या कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, क्या कोई ट्रांजैक्शन एंटिटी छुपा तो नहीं रही, क्या मिसलीड तो नहीं हो रही। तो वो अपने फ्रेमवर्क के मुताबिक उसको चेक करेगा ताकि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रही है, अगर तो हो रही है तो फिर वो आपको दे देगा एक साफ ओपिनियन, यानी कि वो कह देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर। अगर ट्रांजेक्शन भी हुई हैं, देखो ट्रांजेक्शन करना रिलेटेड पार्टीज बनाना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, हर कंपनी में होती है, हर कंपनी के रिश्तेदारियां होती हैं,
अगर आपने सही से डिस्क्लोज कर दिया है, सही से कम्युनिकेट कर दिया है, सही से उसको अकाउंट फॉर कर दिया है, एंट्रियां सही पास कर दी है, तो फिर ऑल ओके, फिर कोई मसला नहीं है। फिर बेशक आप एक नहीं, दो नहीं, 100 कंपनियों के साथ ट्रांजेक्शन कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। हम ट्रांजेक्शन करने से नहीं रोक रहे, हमें बस डर ये है कि आप लोगों ने वो ट्रांजेक्शन शायद प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं की, तो यहाँ पे हमें खौफ आता है। तो अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज है, अकाउंटेड फॉर है, IFRS के मुताबिक है, IAS 24 के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो रही है, मिसलीडिंग नहीं हो रही, तो फिर हमें कोई एतराज नहीं, हम आपको साफ रिपोर्ट देने को तैयार हैं, और मैनेजमेंट से हम लोगों ने लिखवा भी लेना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत दफा ऐसा होता है कि ऑडिट एंड के ऊपर मैनेजमेंट अचानक से आपको कहती है कि सर ये वाला काम भी करना है, वो वाला काम भी करना है, या ऑडिट होने के बाद आप पे ब्लेम हो रहा होता है कि उन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो ऑडिट एंड करते टाइम मैनेजमेंट से लिखवा लेना है कि जो रिलेटेड पार्टीज आपने हमें दी हैं, हमने वो सारी के सारी वेरीफाई कर दी हैं, और इसके अलावा कोई और रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अलावा कोई और रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती जिनका हमें पता ना हो। तो जो आपने हमें डिस्क्लोज कर दिया था, जो आप लोगों ने हमें बता दिया था, जिनके बारे में हम अवेयर थे, जिन ट्रांजेक्शन के बारे में हम अवेयर थे, हमने वो सारी की सारी चेक कर दी, और इनके अलावा आप हमें लिख के दें कि कोई और मौजूद नहीं है, कोई और एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस वॉज द कंप्लीट स्टैंडर्ड। मुझे बताइए, अब अगर किसी को कोई सवाल हो, एक सवाल आया था पहले इनहेरेंट लिमिटेशंस का, मुझे बताइए क्या उसमें मसला था, अब आपको मुझे रेलिवेंट बात बतानी है। इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऊपर एक सवाल आया था, तो वो सवाल जरा मुझे अब दोबारा से बताया जाए कि उसमें क्या इशू था, क्या समझ नहीं आ रहा था। या अब आ गया, जी सवाल था मेरे ख्याल से यासर का, शायद सवाल था, सवाल वो था किसका? शाह हुसैन का जी, क्या वो अब हम में मौजूद भी है या नहीं है, या वो भाग गए? भाग गए हैं, चले कोई नहीं, आएंगे तो फिर से पूछ लेंगे। तो यहां तक डिस्कशन है रिलेटेड पार्टी की, स्टैंडर्ड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से आए के आपने हमेशा सीधा सवाल पूछा है, और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अभी भी वो सीधा सवाल ही पूछेगा। तो एक दफा आपने इसको लाजमी पढ़ना है, रीड करना है प्रॉपरली, 2-3 दफा इसको रीड करें, और उसके बाद उसको याद करें। एम आई क्लियर? कोई मुश्किल चीज यहाँ पे नहीं है, कोई टेक्निकल चीज यहाँ पे नहीं है। हमें यह पता है कि उनके साथ की गई तमाम ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना है, अकाउंट फॉर करना है, रिस्क ज्यादा है, मटेरियलिटी लेवल बिल्कुल जीरो पे है, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और हर बात को उसने किसी और एंगल से बार बार रिपीट किया। बल्कि एक टास्क आपको देता हूँ ना, समझ आ जाएगी आपको, इसके पास्ट पर ट्राई कीजिएगा। तो जब आप इस स्टैंडर्ड को कवर कर लेंगे आज के दिन में, तो उसके बाद के जो पास्ट पेपर्स है ना, वो आप लोगों ने कवर करने हैं, और फिर मुझे बताना है कि कोई मसला, कोई परेशानी अगर आपको नजर आती है, ये करना आप लोगों, ये आपका टास्क है आज का। लगे यार आपके साथ एक और डिस्कशन भी आज हो ही जाए। आपको एक चीज दिखाता हूं, लेट मी शो यू समथिंग। ये जो आप लोग
समझते नहीं है, सब आता है। मुझे बताइए इस वक्त स्क्रीन पे आपको एनालिसिस शो हो रहा है? क्या स्क्रीन पे इस वक्त एनालिसिस शो हो रहा है? ओके जनाब, आपकी किताब में है 15 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स, चैप्टर 1 टू 13 ये आते हैं ग्रेड ए में, ग्रेड ए में, जिसकी अपनी इंडिविजुअल वेटेज है 15 से 25। और हमें यह पता है कि आई कैप अपनी वेटेज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है, और हमने एक सफिशिएंट कवरेज यहां से कर दी है। हमने वो 1 भी किया तसल्ली के साथ, 2 भी किया तसल्ली के साथ, 13 भी किया तसल्ली के साथ। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि हमने ऑन एवरेज 20 एक नंबर की तैयारी तो कर ली यहां से। फिर हम लोगों ने किया चैप्टर नंबर 12, जो कि पाया जाता है ग्रेड सी में, और इस 12 चैप्टर में 2 एरियाज हैं, 610 एंड 620। 620 एक्सपर्ट्स के लिए है, 610 इंटरनल ऑडिटर्स के लिए है, और तारीख ये गवाह है कि एक अटेम्प्ट छोड़ के आई के आपने इसका सवाल लाजमी पूछा होगा। देख रहे हैं, और जब पूछा है उसने सीधा सवाल पूछा। फिर आता है चैप्टर नंबर 11, रिलेटेड पार्टीज, ये भी ग्रिड सी में पाया जाता है। अब एक मजे की बात ये आपने चेक करना, जहां पे उसने नहीं पूछा था 12वें को, वहां पे उसने 11वें को लाजमी पूछा। एक अटेम्प्ट ऐसी है रिसेंट की जहां पे उसने दोनों नहीं पूछे, और कुछ अटेम्प्ट ऐसी भी हैं जहां पे दोनों को पूछा भी है, जैसे ये। मैं काफी आसानी के साथ ये कह सकता हूं कि इन दोनों चैप्टर्स को मिला के या इंडिविजुअली भी 10 एक नंबर का पेपर यहां से होता है ऑन एवरेज। कभी 7 का दे दिया, कभी 9 का दे दिया, कभी 16 का दे दिया, कभी 13 का दे दिया, कभी 8 का दे दिया, कभी 4 का दे दिया, कभी 11 का दे दिया, मिला के या 11वें का सवाल होगा या 12वें का सवाल होगा या इन दोनों का कंबाइंड सवाल होगा, यानी कि दोनों चैप्टर्स को टेस्ट कर रहा होगा। तो अब अगर आपको गेम समझ आ गई है ना, मैं आपको बता दूं, 20 नंबर के करीब ऊपर से, 10 के करीब नीचे से, 30 नंबर हो गए, और यहां से हमने 230 भी किया था। तो अभी अगर इसको मैं साइड पे भी कर दूं तो तकरीबन 30 एक नंबर का पेपर आप लोगों ने कवर कर दिया ईद से पहले पहले, यानी कि 100 में से कोई 30 एक नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आपने सफिशिएंट कवरेज और सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली है, और आप बार बार चीजों को रिवाइज करते चले जा रहे हैं। पता है ऑडिट के अंदर ना इस तरह का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरियाज डिफरेंट डाइवर्सिटीज के हैं, कुछ बहुत मुश्किल हैं, कुछ बहुत आसान है। अब जैसे यहाँ पे कंपनीज एक्ट मुश्किल था, कोड ऑफ एथिक्स का सिनेरियो शुरू में आपको लगे मुश्किल, बाद में आपको हो गए आसान। इसी तरह 210 आसान है, 220 आसान है, बाकी एरियाज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो अपनी जगह पे आसान थे। तो अभी तक जो हमने 2 लॉजिकल एरियाज कवर किए ना, वो कंपनीज एक्ट कवर किया है और वो थ्रेट सेफगार्ड वाला कवर किया, उसके अलावा जितना कवर किया है वो सारा रट्टा है। और रट्टे से मुराद ये नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड क्रैमिंग करनी है, रट्टे से मुराद ये है कि आपको चीज आनी चाहिए और अपने अल्फाज में उसको लिखें, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक अच्छी कवरेज अभी तक कर ली है इस शॉर्ट टाइम के अंदर। एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं,
उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक खाली ब्लैक स्लाइड की, जो कि मुझे नई क्रिएट करनी पड़ेगी। एक सेकेंड, अब आपको थीम समझ आएगी, क्योंकि अब आपको बातों क्या पता है। मुझे बताइएगा, क्या आपको ब्लैक स्लाइड शो हो रही है इस टाइम पे? क्या आप सबको इस वक्त ब्लैक स्लाइड शो हो रही है? क्या अब शो हो रही है? क्या अब शो हो रही है? ओके जनाब, आपकी किताब में है 15 चैप्टर्स। आपकी किताब में है 15 चैप्टर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 चैप्टर्स है आपकी किताब में। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये बात करते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये बात करते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर कि ऑडिटर कौन है, कैसे आएगा, कब आएगा, क्या चीजें असेस करनी पड़ेगी, क्लाइंट को समझना पड़ेगा, लेटर भेजना पड़ेगा, ये सारी बातें 1 और 2 करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 3, 3 प्योर रिस्क का एरिया और ये खुश एरिया। नॉर्मली अगर किसी बच्चे को कहा जाने का भाई तुमने किताब रीड करनी है, तो चैप्टर 1 पढ़ेगा उसको मजा आएगा, 2 पढ़ेगा उसको और इंटरेस्ट डेवलप होगा, 3 पढ़ेगा वो बहुत बोर होगा, और 3 पढ़ने के बाद यकीन मानिए उसका आगे जाने को दिल भी नहीं करेगा। तो हमने 3 को करना है बिल्कुल एंड पे, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा जिसमें हम लोग रिस्क को और फ्रॉड को समझ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6, ये चैप्टर्स हैं आपके कंट्रोल के। इनके अंदर कंट्रोल्स सीखेंगे हम, डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, क्या उनकी वर्किंग होती है, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है। चैप्टर नंबर 4, उसके बाद 7 से लेके 10 तक, 4 और 7 से लेकर 10 तक, ये चैप्टर्स हैं आपके प्रोसीजर्स के चैप्टर, सबस्टांटिव प्रोसीजर्स के चैप्टर। 4 रखेगा बेस और 7, 8, 9, 10 उसको आगे लेके जा रहे होंगे। 13 आपको पता है कि ये आपका कोड ऑफ एथिक्स है। अच्छा, 11, 12 मजे की बात है, ये दोनों चैप्टर स्टैंड अलोन है, ये आप कभी भी किसी के साथ भी जोड़ के कवर कर सकते हैं, कभी भी, क्योंकि इनका कोई खास लिंक किसी और चैप्टर के साथ नहीं है। चैप्टर 14 और 15, ये दो चैप्टर्स रिपोर्ट्स को डील करते हैं, रिपोर्ट्स को डील करते हैं, जिसमें से 14 ऑडिट के ऊपर बात करता है और 15 जो है वो रिव्यू के ऊपर बात करता है। तो ये आपके सिलेबस का एक पूरा परफॉर्मा मैंने आपके सामने रखा है, ये आपको अब समझ आएगा, शुरू में आपको समझ नहीं आना था। 1, 2 अपॉइंटमेंट की बातें करते हैं, 3 रिस्क ऑफ फ्रॉड की बात करेगा, 4 उसके बाद 7 से लेकर 10 तक इसके अंदर प्रोसीजर्स छुपे हुए हैं, 5 और 6 कंट्रोल्स हैं, 11, 12 बिल्कुल स्टैंड अलोन है, 13 एथिक्स है और 14, 15 रिपोर्ट्स के ऊपर है। तो किसी भी टाइम आपको पता होना चाहिए कि हम किस एरिया में खड़े खड़े में और क्या हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट देख ली है, हमें ये पता चल गया कि ऑडिटर भाई आते कैसे हैं, ऑडिटर के आने के टाइम पे एथिक्स की क्या चीजें हम लोगों ने असेस करनी है वो चीजें चेक कर ली है। यहां से हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन देख ली है और ये दो स्टैंड अलोन चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स आता है,
इंटरनल ऑडिटर आता है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आती है। ये तीनों चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 230 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 सिवाय कंपनीज एक्ट के स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 सारा का सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 13 सिवाय थ्रेट सेफ गार्ड के स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट यहां से और थ्रेट सेफ गार्ड यहां से, ये दोनों एरियाज अभी तक हम लोगों ने कंसेप्चुअल देखे। क्या अब आपको ओवरऑल सिनेरियो, हम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, ये सारा एनालिसिस क्लियर हुआ ईद पे जाने से पहले पहले कि कितनी कवरेज हम लोगों ने कर ली है और ईद के बाद हम लोगों ने क्या क्या चीजों को देखना होना है? यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे आ रही है ईद और मैं नहीं चाहता कि आप ईद के दिनों में किताबें खोलें, मैं इसके अगेंस्ट हूं, मगर आपने मेरे अल्फाज पर गौर किया होगा, मैंने कहा ईद के दिनों में। मैं आपको दे रहा हूं एक होमवर्क, एक प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके लिए मुझे मजीद एक और ब्लैक स्लाइड चाहिए होगी। ये आपको नई ब्लैक स्लाइड नजर आ रही, ओके जी। होमवर्क बिफोर एंड आफ्टर ईद, चले ईद एंड रिजल्ट्स करते हैं। आज है 29 तारीख, यानी कि आज तो आप बिल्कुल फारिग होंगे इस क्लास के बाद, तो 29 30 यकम उसके बाद रिजल्ट और ईद आ जाएगा, तो 2 तारीख भी गई, 3 भी गई, 4 भी गई, 5 भी गई। उसके बाद 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, आपके पास 6 दिन है। आपको मैं प्लान दे रहा हूँ, वो बच्चे जो के अभी पीछे हैं, जो के रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कोशिश करें कि वो यहाँ तक कवर अप कर लें ताकि हम ईद के बाद जब रिपोर्ट्स का एरिया स्टार्ट करें तो वो हमारे साथ चल रहे हो। करना आप लोगों ने क्या है, करना आप लोगों ने ये है कि आज का दिन आप लोगों ने डेडिकेटेडली रिलेटेड पार्टीज को देखी, इसको ख़त्म कर देना। ये फ्रेश है, अभी आप लोगों ने कवर किया है, तो सिर्फ आज का दिन आपने यही करना, ये करके शाम तक या रात तक ख़त्म कर दें, चैप्टर 11 को सर से उतार दें। 30 तारीख आएगी, कल का दिन आएगा, कल आप लोगों ने चैप्टर 12 को करके साइड पे कर देना, या अगर आपको लग रहा है कि भाई 12वां इसमें 2 स्टैंडर्ड्स हैं तो आप 12वें को तोड़ भी सकते हैं। आप क्या करें, आप 6-10 कर लें खाली, चलो 6-10 कर लें खाली और कुछ ना करें, और यकम तारीख को चैप्टर 12 का जो एक्सपर्ट वाला पोर्शन है वो कर लें, प्लस चैप्टर 4 की डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ जोड़ दें। और ईद से पहले पहले इतनी कवरेज कर लें, बहुत है। फिर ईद आएगी, ईद पे किताब नहीं खोलनी, ईद पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुकून करना, किताब के करीब भी नहीं जाना। मैं आपको 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को कोई काम नहीं दे रहा, बिल्कुल आप बेतरफ से आजाद है, याशी करने उस दिन। मगर जब 6 तारीख आए तो वापस आ जाओ। जब 6 तारीख आएगी, जब 6 तारीख आएगी तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 पकड़ना है और एक्सेप्ट कंपनीज एक्ट उसको पूरा कर लेना है। चैप्टर 1 पकड़ना है, कंपनीज एक्ट के अलावा उसको पूरा कर देना। 7 तारीख आएगी, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर देना,
सात तारीख आएगी चैप्टर नंबर टू कंप्लीट कर देना, आठ तारीख आएगी तो चैप्टर नंबर वन का कंपनीज एक्ट का जो पोर्शन रह जाएगा वो उठाना है, प्लस इसके सिर्फ सवाल करने, इसके सिर्फ पास्ट पेपर्स करने और कुछ नहीं करना। तो आई होप कि आप इस प्लान को बरकरार रख लेंगे, क्योंकि इसमें याशी भी है, इसमें काम भी है, ये बड़ा मिक्स अप प्लान है। आज का दिन इस्तेमाल करें और इस फ्रेश चैप्टर को मुका दें, खत्म कर दें, साइड पे कर दें। कल बैठे 12 कोशिश करेंगे कल 12 पूरा कर लें, ताकि आपके पास एक दिन मजीद बच जाए ईद से पहले पहले, और फिर पहला करें, दूसरा करें और तेरहवां कर लें, ताकि 9 तारीख को यानी कि जब मंडे को आप मुझे वापस आए मेरे पास, तो आप कवर भी आप लोगों ने किया हो, पिछला आपको तैयार भी हो, और हम लोग बगैर सोचे कि आपका बैकलॉग खड़ा हुआ है, हम लोग आगे का सफर तय कर रहे हैं। तो आई विश कि आप लोग ये काम कर लेंगे, आई कैन विश। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके काइंडली ग्रुप में डाल दें। बाकी जो बच्चे आज मौजूद नहीं है उनके लिए मैं वॉइस नोट भेज देता हूं। अच्छा, एक और छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर तो 2 तारीख को ईद ना हुई, अगर तो 2 तारीख को ईद ना हुई और सिर्फ रिजल्ट हुआ, तो 1 या 2 बजे के करीब आई विल बी कंडक्टिंग अ काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट खराब है, या इवन वो भी ज्वाइन कीजिएगा जिनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, उनको आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगी, आगे के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन गाइडेंस मिलेगी। तो 2 तारीख को बशर्ते ईद अगर ना हुई तो ये सेशन प्लान किया जाएगा, मैं खुद कंडक्ट कर रहूँगा, और अगर ईद हुई तो फिर ये सेशन खटाई में पड़ जाएगा। तो हमने कभी भी आपको जुदा नहीं करना अपने से। डन। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। आई विश के आप इन तमाम एरियाज को कवर अप करेंगे, और जब वापस आएंगे तो नए जोश के साथ आएंगे। ग्रुप इन द मीन टाइम सिवाय ईद के शायद खुला रहे, हाँ ईद पे शायद बंद हो जाए कुछ दिनों के लिए, बाकी खुला रहेगा, या कोशिश करूंगा कि ईद पे भी बंद ना हो। तो आपने जो सवाल करना होगा, जो परेशानी होगी, वो आप कर सकते हैं बिला झिझक। तो हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 9 तारीख को चैप्टर 14 के साथ, रिपोर्ट्स के एरिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।